आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के साथ उन्होंने देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया, एमएसपी का दाम घोषित किया और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो घोषणा की उसका परिणाम हमें प्रारंभ में उसका मिलना प्रारंभ हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपए दे लेने की गारंटी सुनिश्चित की। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर अगर 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी 2,62,00,000 किसान इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं, 7 करोड़ 45 लाख किसान किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हुए हैं, तो जिसके माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन में भी किसानों को इस योजना से शामिल करने का कार्य हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संस्थागत ऋण इसके माध्यम से 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, आज यह 22-23 में बढ़कर के 3 गुने से अधिक 21.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अब तक देश में 48 करोड़ किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, यानी अब पैसा केवल हजारों में नहीं है, लाखों करोड़ों में किसान के पास डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देश में 78 लाख हेक्टेयर भूमि और प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, इन सभी योजनाओं का लाभ एक एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आपके पास आया है। इस सुख तीर्थ की पावन भूमि से, अन्नदाता किसानों की कर्म भूमि से, अन्नदाता किसानों के हित में नई योजनाएं क्या बन सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब जनता जनार्दन के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएगी, तो फिर 24 से लेकर के 29 के बीच में हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र में अन्नदाता किसानों के लिए कौन सी योजनाएं आनी चाहिए उनका सुझाव भी एकत्र करेगी, और इस एकत्रीकरण के बाद उन्हें समाहित करते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ कार्य करेगी। मैं इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से हर अन्नदाता किसान तक पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किसानों के लिए, देश के अंदर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बनी हुई योजनाओं को भी हम आम जन तक पहुंचा करके फिर 2014 में 24 में 14 और 19 की पुनरावृत्ति करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर बनाने का कार्य हमारा अन्नदाता किसान करेगा।